अलीगढ़ में एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की दबंग, पेट्रोल पंप के कर्मियों ने की पिटाई, किया लहूलुहान। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन तस्वीर महल स्थित नरोत्तम दास फिलिंग स्टेशन पर दबंग पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने दबंगई का उनका मामला सामने आया है, जहां पर एक एंटी करप्शन थाने के प्रभारी पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। गाड़ी हटाने की बात को लेकर यहां पर एंट्री इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के साथ में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने लात घूसों से उन पर हमला कर दिया, उनके साथ में मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया है। दबंग पेट्रोल कर्मियों के द्वारा एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ में बर्बरतापूर्वक यह पिटाई की गई है, जिसके बाद में कोतवाली सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित तस्वीर महल पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट किए जाने की मामले में अब पुलिस महकमा हरकत में आ गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को उपचार के लिए आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तो आप क्या नाम है आपका? कहाँ से आए, किस उसमें है आप? थाना प्रभारी एंटी करप्शन अलीगढ़ मंडल। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पर, किस जगह हुआ ये? यही पर मारा, यहाँ से वहाँ तक मारा। कितने लोग होंगे तकरीबन? कितने लोग होंगे तकरीबन? 4-5 लोग कम से कम। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वही बता रहा हूँ आपको। गाड़ी खड़ी करिए, यहाँ से गाड़ी हटाओ, अपने घर ले आकर खड़ी करो। यहाँ से गाड़ी पूरी साइड में खड़ी है, आपके सामने गाड़ी साइड में खड़ी है, राइट से पेट्रोल पंप पे खड़ी, रोड के किनारे खड़ी है। सिर्फ ठेकेदार है यहाँ पे अर्जुन, उन्हीं का मैं वेट कर रहा था, यहाँ पीछे से आ रहे हैं। चलो तो मेरे ठेकेदार आ रहे हैं, बस हटा रहा हूँ। थाना सिविल लाइन से तस्वीर महल पर पेट्रोल पंप पर आज एक पुलिसकर्मी जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था का पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ गाड़ी को उठाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट की गई, जिसमें पुलिसकर्मी की चोट लगी। पुलिसकर्मी की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, तथा इसमें दो व्यक्ति कपिल और राजवीर जो कि पेट्रोल पंप पे कार्यरत हैं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति CCTV के आधार पर प्रकाश में आए हैं, जिनकी तस्दीक कराकर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।